तो गाइस देखिए, मार्केट आज के दिन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था। जिस तरह का अपसाइड का मोमेंटम उसी तरह का डाउनसाइड का मोमेंटम कर दे रहा था। मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि इस तरह का वॉलेटाइल मार्केट में मैं अपना माइंडसेट ख़राब नहीं करना चाहता था। तो देखिए, ये अपना ऑर्डर बुक है जो था वही है। तो अभी कल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए, मार्केट ने 45,090 का सपोर्ट बनाया और 45,420 के आसपास देखिए मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, रेजिस्टेंस लेवल। और अगर चार्ट में एसएल देखें तो देखिए, मार्केट ने हमें इस वाले लेवल के नीचे बायर्स का एसएल मिल सकता है, इस वाले कैंडल के नीचे हमें एसएल मिल सकता है, और सेलर का एसएल देखिए ज़्यादा तो ऊपर नहीं है, बस ये जो सेलिंग आया है इतना सा हमें फ्रेश सेलिंग है। तो जो भी एसएल होगा इस लेवल के ऊपर मिलेगा हमें सेलर का। तो मार्केट कल के दिन फ्लैट या गैप अप ओपन हो जाता है तो हम सेलिंग करेंगे। बस मार्केट देखिए इस वाले लेवल का ब्रेकआउट ना कर दे, थोड़ा मोड़ा ब्रेकआउट चलेगा 10.5 पॉइंट के आसपास, बट अगर ज़्यादा ब्रेकआउट कर देगा कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना के, वैसे कंडीशन में फिर हमें वेट करना होगा, देखना होगा ये जो राउंड लेवल है आसपास 45,500 के आसपास आके किस तरह से ट्रेड करता है, फिर हम यहाँ पे कोई ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट अगर मार्केट ओपन होते गिरावट देने लगता है तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजीशन बना लेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट में एक सेलिंग पेंडिंग है, एक सेलिंग आना चाहिए ज़बरदस्त किस्म का और कल के दिन आ सकता है। बस मार्केट कोई ज़्यादा गैप डाउन ओपन ना दे, क्योंकि ज़्यादा गैप डाउन ओपन दे देता है तो क्या होगा, देखिए ये फिर बायर्स अपना पोजीशन काट कर निकल जाएंगे। फिर हमें देखना होगा मार्केट में मार्केट किस तरह से एसएल क्रिएट करता है, कौन सा साइड एसएल क्रिएट करता है, कैंडल वगैरह देख के फिर हमें ट्रेड आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा अपना प्लान है। ओके गाइस, गुड लक फॉर योर ट्रेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।